हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग ने न्यू हाउस का वीडियो का अपडेट ऑलरेडी देख चुके हैं और अब हमारा ये नया वीडियो आ गया है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें भाई और वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें भाई। तो दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं अपने इस नए वीडियो को। उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ, ये हमारा जिम का एरिया और अभी तेरा भाई जिम कर रहा था भाई, ट्रेडमिल पर भाई थोड़ी सी एक्सरसाइज कर रहा था, सुबह का समय था भाई। तो दोस्तों अब हम लोग आज नए अपडेट के बारे में बताने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारे दो नए जेट पैक आए हैं इस गेम में भाई, रोहित भाई ने न्यू अपडेट दिया है, उसमें आपके दो नए जेट पैक हैं दोस्तों। तो हो सकता है आपको उसका चीट कोड ना बताओ, तो आज मैं आपको दोनों के चीट कोड भी बताने वाला हूँ और साथ ही दोनों का टेस्ट ड्राइव भी लेंगे भाई। तो बहुत दिनों से वेट था क्योंकि हम लोग ने ऑलरेडी GTA Vice City और GTA San Andreas में जेट पैक यूज़ किया है, उसका अलग ही मजा है। और आज हम लोग अपने इंडियन बाइक 3D ड्राइविंग गेम में भी उस जेट पैक को यूज़ करने वाले हैं भाई। तो दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में दिखाने वाला हूँ हमारा न्यू जेट पैक। दोस्तों फटाफट अपने स्मार्टफोन को निकाल लेना है और डायल करना है 320। हाँ दोस्तों, चीट कोड है हमारा 320। जैसे ही आप 320 डायल करोगे, आपका ये जबरदस्त रेड कलर का डबल एयर विंग्स वाला हमारा ये नया जेट पैक आ जाएगा। इसका स्टैंड भी है बाकायदा और बहुत ही तगड़ा लुक है देखने में, और आप चाहो तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। बहुत सारे कलर ऑप्शन में, जैसे हम अपनी कार का कलर चेंज कर सकते हैं, तो वैसे ही आप इस जेट पैक का भी, एयर जेट पैक का भी कलर चेंज कर सकते हो भाई। बहुत सारे कलर, वैसे रेड कलर बढ़िया लग रहा था मुझे, मगर मेरा फेवरेट कलर जैसा कि आपको पता है वाइट और ब्लैक और ब्लू है, तो मैं उनमें तीनों में से एक कलर चूज़ कर ले रहा हूँ, तो वैसे मैंने ब्लैक कलर चूज़ कर लिया। दोस्तों आपका फेवरेट कलर क्या है कमेंट करके बताइए। और हम लोग अब इसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों अब हमारा जेट पैक लॉन्च हो चुका है भाई, लेकिन इसकी स्पीड मुझे थोड़ी स्लो लगी, लेकिन हाँ भाई हमारा जेट पैक लॉन्च हो गया। तो हमारा ये जेट पैक 1 है जो कि देखने में बहुत ही ज़बरदस्त है भाई, और देखिए इसकी हाइट देखिए आप, अच्छी खासी हाइट, हेलीकॉप्टर की हाइट तक हमारा ये जेट पैक आराम से आता है। और थोड़ा सा इसको नज़ारा देखते हैं भाई, नज़ारा भी मस्त लग रहा है देखने में, और मूवेबल भी है ये, और आसानी से इसको मूव भी करा ले रहे हैं। बस ये है कि थोड़ा सा ये स्पीड में कम है, स्पीड इसकी स्लो है यार, थोड़ी सी स्पीड तेज होती तो और मज़ा आता। खैर दोस्तों मुझे तो ये ठीक ठाक लगा, एवरेज लगा इसका रिव्यू जेट पैक का। आप लोग एक बार ट्राई करिएगा, खेल के देखिएगा, बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लग रहा है जेट पैक को यूज़ करने में, ड्राइव करने में कैसा लग रहा है। तो वीडियो को एंड तक बने रहें दोस्तों, और अगर अब तक वीडियो को लाइक नहीं करा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप वीडियो आपको अच्छी लगी, अगर आप कुछ बताना चाहते तो प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं उसे फीडबैक के तौर पर समझूंगा। और दोस्तों ये जेट पैक का ट्रायल हो गया। अब दूसरा जेट पैक हमारा जिसका चीट कोड है 330 है भाई, तो 330 हम डायल करेंगे, और ये हमारा देखिए थोड़ा सा इसमें देख रहे हो आप, फ्लेम ऑलरेडी निकल रही है दोनों तरफ से बहुत तेज़ी से, मतलब इसमें प्योर सिलेंडर लगे हुए हैं, और ये थोड़ा सा मुझे देसी जेट पैक लग रहा है भाई, देसी जेट पैक। और अब इसका हम लोग ट्रायल लेंगे देसी जेट पैक का भाई यार, कि इसकी स्पीड कैसी है, धीरे है या ये फास्ट है या कैसा है इसका रिव्यू। तो दोस्तों अब देखते हैं, वीडियो में बने रहें, और आगे हम देखते हैं देखिए कि इस जेट पैक को मैंने थोड़ा सा हाइट पे आके किया, और ये देखिए भाई कितनी तेज़ी से बढ़ा है ये जेट पैक भाई। तो इसमें थोड़ी सी स्पीड है और इसको आप फास्ट मूव करा सकते हो भाई, देख रहे हो कितनी तेज़ तेज चल रहा है ये। मैंने उसको भी ट्राई किया था दाएँ बाएँ करने का, मगर वो इतनी तेज़ नहीं मूव हो रहा था जो हमारा एयर जेट पैक 1 था। मगर दोस्तों ये वाला जेट पैक देखने में भले ही एकदम नॉर्मल सा है, इसमें दो सिलेंडर दिख रहे हैं, दोनों तरफ फ्लेम दिख रही है, लेकिन भाई चलाने में बहुत मज़ा आ रहा है इसको। इसको आप आराम से एयर में मूव करा सकते हो और होल्ड भी कर सकते हो भाई, देख रहे हो कितनी हाइट पे आके होल्ड किया हुआ है, ऐसा हमारा हेलीकॉप्टर होल्ड होता है। तो दोस्तों इसकी स्पीड भी बढ़िया है, उस वाले से अच्छी, बहुत तेज़ तो नहीं है पर उस वाले से मुझे बहुत अच्छी लगी है। और आपको भी अगर देखने में मज़ा आ रहा है वीडियो को तो लाइक करें ज़रूर दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा इसकी हाइट क्या है, इसकी रेंज भी उतनी ही है लगभग, ज़्यादा उसकी रेंज नहीं है हाइट की, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग काफ़ी हाइट पे हैं, ये देख रहे हो भाई लगभग हम लोग टॉप बिल्डिंग के हाइट तक हैं भाई, अच्छी खासी हाइट पर हैं हम लोग। तो दोस्तों कैसा लगा आपको दोनों जेट पैक, अरे भाई ये क्या हो गया भाई। तो दोस्तों आप लोग बताइएगा आपको कौन सा जेट पैक बढ़िया लगा है। ये भाई साहब तो निकल पड़े हैं जेट पैक के हवाले के, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन।